YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले के कांडी प्रखंड अंतर्गत खरौंदी पंचायत के उच्च विद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर आक्रोशित स्कूली बच्चों ने आज घंटों सूड़ीपुर गढ़वा मुख्य सड़क जाम कर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। बच्चों ने बताया कि प्रधानाध्यापक व अध्यापकों के मौजूद रहते विद्यालय में घुसकर बच्चों को पीटा गया, जिसे लेकर थाने में FIR दर्ज कराई गई, लेकिन कार्रवाई के अभाव में ही वे आज सड़क जाम को मजबूर हुए। बच्चों ने बताया कि सड़क जाम विभिन्न मांगों को लेकर की गई, जिसमें मुख्य रूप से विद्यालय चार दीवारी निर्माण, विद्यालय प्रांगण में खड़ी वाहन को अविलंब हटाने, स्कूल गेट लगवाने सहित स्कूल के दौरान बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराने और मानस ओझा व आश्विनी ओझा को अविलंब गिरफ्तार करने की मांगें शामिल हैं। बच्चों ने स्कूल में पद स्थापित शिक्षकों के अविलंब तबादले की मांग भी की है। स्कूली बच्चों ने आज सड़क पर साइकिल खड़ी कर व लकड़ी की बोटी लगाकर जाम लगाया। वहीं सड़क जाम मुक्त कराने पहुंचे BDO गुलाम समदानी व अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम से जाम कर रहे बच्चों ने बताया कि वाहन के धक्के लगने की घटना के बाद अश्विनी ओझा व मानस कुमार ओझा द्वारा विशाल कुमार रजक, मनोरंजन कुमार यादव, प्रिंस कुमार दुबे व अविनाश कुमार यादव के साथ मारपीट की गई। FIR के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सका है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने समुचित आश्वासन देकर घंटों कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को जाम मुक्त कराया। हाँ विशाल कुमार राजा, क्या मैटर था आप बोलिए, इसमें क्या आपका मतलब समस्या था? आप लोग धक्का दे रहे थे। मैटर यही था सर कि हम लोग जब क्लास से एग्जाम दिए, एग्जाम देकर के कॉपी जमा करके बाहर निकल रहे थे जी। ठीक, बाहर निकल रहे थे तो फिर मतलब अपने दोस्त का इंतजार करने के लिए थोड़ा पीछे हो गया था। इंतजार करने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके, बर्तन रुके चार लड़का, हम, प्रिंस, मनोरंजन, अविनाश रुके चार लड़का। तो उधर से अश्विनी ओझा आए, बोले कि प्रिंस गाड़ी के धक्का दे दो। तो हम लोग, हम, प्रिंस तैयार हो गए। फिर मनोरंजन के बोला, हम, प्रिंस के, मनोरंजन चलो तो थोड़ा सा गाड़ी को धक्का दे दो। तो मनोरंजन बोला कि हमारा भूख नहीं सहा जा रहा, हम सुबह खाना खा के नहीं आए हैं, फिर हम घर जाएंगे, तुम लोग जाओ दे दो, हम कभी अगला बार दे देंगे शॉर्ट कट जल्दी जल्दी। तो वही नहीं दिया, उसके बाद रफ रफ पूरा गाड़ी खराब खराब दे करके मनोरंजन कुमार यादव को मारने लगे। फिर उधर से मानस कुमार यादव लगा फिर हाथ टोटा उतर लगा करके मनोरंजन कुमार यादव को ऑफिस के सामने लांग करके मारने लगे। तो चोट किसको लगा है ज्यादा? मनोरंजन कुमार यादव को क्या कितना लगा है, क्या हुआ? आँख में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आँख में गंभीर चोट लगा हुआ है, हल्का नहीं, हल्का मतलब नहीं दिखाई। ठीक, इसलिए आप सड़क जाम किए हुए हैं? यस सर। आप लोग का मांग क्या है? हम लोगों को इंसाफ यही चाहिए कि स्कूल में पहला नंबर बाउंड्री हम लोगों को चाहिए, स्कूल कैंपस को बाउंड्री से घेरावा किया जाए, दूसरा नंबर में मास्टर यहाँ पे भेजा जाए और तीसरा नंबर में यहाँ पे आउटी ग्रामीण जनता को यहाँ दिनांक 9/10/18 को प्रधानाध्यापक आए यहाँ और अपना सिग्नेचर बनाए, उसके बाद वो 11 बजे के आसपास जो है हमको प्रभार दे करके चले गए। 9th-10th की एग्जाम चल रही थी और 9th में क्लास चल रहा था जी। एग्जाम 11:30 बजे ओपन हो गया 10वां का लड़का जी। उसके बाद कॉपी कलेक्ट हुआ, हम ऑफिस में आ गए। इसी बीच हम देखे कि मानस कुमार करके एक लड़का है, वो हमारे मनोज कुमार ओझा हमारे छात्र मनोरंजन कुमार यादव को पीटते हुए वो हमारे ऑफिस के पास सामने आए और वहाँ भी ये झंझट हुआ। हमने अपने छात्र को रोक करके पूछा आखिर क्या बात है, क्यों झगड़ा किया? उसने बताया कि सर, हम मनोरंजन कुमार यादव, प्रिंस कुमार दुबे, विशाल कुमार रजक और अविनाश कुमार, ये चार लड़के हम वहाँ बर के नीचे खड़े थे। इसी समय मनोज कुमार ओझा हमको बोलेरो में धक्का देने के लिए बुलाया। उसके बाद प्रिंस कुमार दुबे और एक लड़का बोलेरो को धक्का देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ये मनोरंजन यादव ने कहा कि हमको भूख लगी है, हम धक्का नहीं देंगे जी। इसी के बाद वो हमको भद्दी भद्दी गाली देने लगा, जिसको कि प्रेस के सामने कहना
अनुचित है, ठीक नहीं लग रहा है। और उस लड़के ने भी नहीं बताया कि क्या गाली दिया, उसने कहा कि भद्दी भद्दी गाली दिया, हम सब बता नहीं सकते हैं आप। तो जो लड़के उन लोग थे वो कौन से क्लास के थे? 10th class के थे। तो उन लोग का छुट्टी हो गया था, तो उन लोग यहाँ पर क्यों थे? छुट्टी हो ही रहा था, लड़के निकल रहे थे। निकल रहे थे, उसी मतलब एग्जाम ओवर हुआ था। धन्यवाद। जी 9 तारीख को जी यहाँ पर मारपीट हुई थी जी, हम तो नहीं थे जी, इसी 9 तारीख को। अच्छा, तो आप नहीं थे? मीटिंग में गए हुए थे जी। तो प्रभार में कौन था? प्रभार में श्री अजीत कुमार जी, अजीत कुमार जी। ठीक है, तो अजीत कुमार जी कहाँ पे है अभी? ये